दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ए टार्टरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड, सी बटग्रिक एसिड। जी बताइए, इसका आंसर सी है, लैक्टिक एसिड। आगे, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? ए 18 जोड़े, बी 23 जोड़े, सी 28 जोड़े, डी 25 जोड़े। जी बताइए, इसका आंसर बी है, 23 जोड़े। आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की पीएच मान कितनी होती है? या इसे कह सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? ए 1.2, बी 7.4, सी 10.5, डी 14। इसका आंसर सी है, 10.5। आगे, हिप्पोकैम्प्स किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प्स, जी हाँ, हिप्पोकैम्प्स किस ग्रह का चंद्रमा है? ए जुपिटर का, बी नेपच्यून का, सी यूरेनस का, डी शनि का। जी बताइए, ऐसे तो हमारे ग्रह 9 थे, 1996 से 8 माने गए हैं, जो मानक मापदंडों को नहीं मापा जाता था, इसलिए प्लूटो को हटा दिया गया। जी बताइए, इसका आंसर बी है, नेपच्यून्स। ठीक है, आगे, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ए वसा का, बी विटामिन का, प्रोटीन का, सी विटामिन का, डी कार्बोहाइड्रेट का। जी बताइए, किसका? संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ए वसा का, बी प्रोटीन का, सी विटामिन का, डी कार्बोहाइड्रेट का। इसका आंसर सी है, विटामिन का। ठीक है, विटामिन सी पाया जाता है संतरा में, आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? ए विटामिन ए का, बी विटामिन ई का, सी आयरन का, डी कैरोटीन का। जी बताइए, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? जी हाँ, आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है पालक में, इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को ये खाना मना रहता है। ठीक है, आगे, दंत क्षय का कारण क्या है? ए प्रदूषित जल, बी विषाणु संक्रमण, सी वंशानुगत कारण से, या बैक्टीरिया जनित संक्रमण से। जी बताइए, इसका आंसर डी है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण से। आगे, वह उपकरण, 8वां नंबर है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है? वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहता है, वो क्या कहलाता है? ए मोटर, बी अमीटर, सी जनित्र, डी गैल्वेनोमीटर। बताइए, इसका आंसर सी है, जनित्र।